बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 13 जनवरी सन 2023 और दिन है जुम्मा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो दोस्तों आज की एक से दो जो न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे जो पहला एक वाकया पेश आया है कुरम बीच पर, शाती कुरम पर, उसमें एक शख्स जो है वो डूब रहा था। तो उसी हवाले से जो ओमान की सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस डिपार्टमेंट है उसके पास एक रिपोर्ट गई थी और उन लोगों ने उस डूबते हुए शख्स को बचाया और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट थी इब्तदाई वो उसे दी गई। तो इसके साथ ही जो दूसरी आप तो जानते हैं, कल जो ओमान ने जो 25वां गल्फ फुटबॉल कप हो रहा है उसमें कामयाबी हासिल की थी और सेमीफाइनल में पहुंचा था। तो सेमीफाइनल में इस वक्त एक तो ओमान पहुंच चुका है और कल ही जो इराक ने यमन को हराया था 5-0 से, तो इस वक्त जो ओमान और इराक जो हैं वो 25वें गल्फ कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही दूसरी के अल्लाह ताला करे खैर और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं, जो कुछ भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी आसें हैं, इस जुमा की बबरकत से उनको पूरा करे और जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफरत करे और जो भी इस वक्त बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शफाए कामला अता फरमाए। तो बाकी मौसम के हवाले से जो अपडेट है ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक जो अपडेटें जारी की जाती हैं उसमें अभी जो मुसम्मा के हवाले से कहा गया है कि मज़ीद जो बारिश, मज़ीद जो बादल हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और बाकी जो हवा में खुनकी है वो मस्कत के इलाके या फिर दूसरे जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका भी लाजमी ख्याल रखिएगा। बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।